हेलो फ्रेंड्स, मैं वरुण आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शर्मा फॉर टेक्निकल में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ेंगे आज हम, और इस वीडियो में आपको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानकारी देंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है कि किस तरह से वर्क करता है, माइक्रोसॉफ्ट पे वर्ड पे हम किस तरह से काम करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट में जो है कि आपको कई सारे पार्ट्स मिलेंगे, तो आज हम सिर्फ होम टैब के बारे में बताएंगे, जो आपका उसमें होम का ऑप्शन रहता है, सिर्फ होम का ऑप्शन बताएंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट में होम पेज को हम मैनेज कर सकते हैं, उसको हम चला सकते हैं। तो इस वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा, जब भी आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। अगर आपको कहीं से भी अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसको दोबारा से रिप्लाई दूंगा और वीडियो बना के शूट करके आपको फिर से दोबारा आपको समझाऊंगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आपको कहीं से भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको हेल्प करूँगा। तो आज इस वीडियो में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताने वाले हैं, किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम करता है। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस से हम वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, और आज होम पेज के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है, और इस तरह से काफ़ी सारे होम माइक्रोसॉफ्ट के जो पार्ट्स हैं, वो सारे पार्ट्स जो है कि आपको पार्ट बाई पार्ट आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो ये तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताने वाला हूँ, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आपको मैं इसके साथ नोट्स भी दे दूँगा, आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट खोलने के चार तरीके होते हैं, चार ऑप्शन। पहला तरीका ये होता है, माइक्रोसॉफ्ट को आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे और माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से आप खोल लोगे। दूसरा तरीका ये होता है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का शॉर्टकट स्क्रीन पे लगा रहे, यहाँ से भी आप चाहो तो डबल क्लिक करोगे तो खुल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुलने के बाद आप इस पे काम कर सकते हो। तीसरा तरीका होता है कि ना यहाँ पर मिले ना यहाँ पर आपको मिले ऐसे ऑप्शन, तब आप क्या कर सकते हो, ऑल प्रोग्राम पर जाओगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाओगे, और यहाँ पर से आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चालू कर सकते हो। चौथा तरीका होता है विंडो और रन कमांड बोलते हैं, इसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मत सर्च मारना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मारोगे तो गलत बताएगा। इसमें जो सर्च मारा जाता है वो विंड वर्ड मारा जाता है, और विंड वर्ड लिख के हमने क्या कर दिया, सर्च मार दिया, और सर्च मारते के साथ ही हमारा क्या हो जाएगा, विंड वर्ड चालू हो जाएगा। चलो अब इस पर किस तरह से काम किया जाता है वो एक एक टैब के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो होता है ये होम टैब होता है, और ये अब हम एक एक टैब के बारे में बात करते हैं, आइकन्स के बारे में। ये क्लिपबोर्ड एरिया होता है, तो मैं आपको ये एक रैंड कमांड होता है जिससे आप कुछ भी पैराग्राफ प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ लिख सकते हो। अब हमने ये लिख लिया, सबसे पहला ऑप्शन है पेस्ट। पेस्ट का ऑप्शन क्या होता है, जैसे आप ये टेक्स्ट है, अब मुझे इसको दोबारा कहीं और लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद कॉपी का ये ऑप्शन है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप स्थिर रखोगे तो ये आपको कॉपी का भी ऑप्शन बता देगा। यहाँ से कॉपी किए, अब हमें जहाँ पे पेस्ट करना वहाँ पे जाएंगे, जैसे मुझे यहाँ पे पेस्ट करना, यहाँ पे मैं क्या दबा दूँगा, पेस्ट, तो ये क्या हो गया, पेस्ट हो गया, या तो ये पेस्ट दबा दो। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे जाओगे तो अलग अलग तरीक़ा से आपको पेस्ट मिलेंगे, HTML फॉर्मेट में मिलेगा, पिक्चर में मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा, ठीक है। अब बात आता है कट, तो कट और पेस्ट क्या होता है, तो पहला तो आप कट करना चाहो तो कट करने में ये होता है कि जैसे एक जगह से फाइल ख़त्म हो जाती है, जैसे यहाँ से आपने कॉपी किया, कॉपी में यहाँ पे भी फाइल रहेगा और दूसरे जगह पे भी फाइल रहेगा, लेकिन कट में ऐसा नहीं होता, यहाँ से फाइल हट जाएगा और वो फाइल कहाँ चला जाएगा, दूसरी जगह, और जो इसका शॉर्टकट की जो होता है वो कंट्रोल एक्स होता है। मैं आपको लास्ट में एक शॉर्टकट का वीडियोज भी बना दूंगा, जिसको आप देखना चाहो तो आपको सारे शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट के मिल जाएंगे।
अब मैंने यहाँ से कट कर लिया, अब मुझे जहाँ भी पेस्ट करना है इस डॉक्यूमेंट्स को, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल वी दबा दूंगा और वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, या कंट्रोल वी दबा दूंगा या यहाँ पे पेस्ट का आइकन पे दबा दूंगा। अब बात करते हैं ये क्या है बी, तो ये होता है बोल्ड। जैसे कुछ अक्षर जब आपको लगे जैसे ज़्यादा मेन टॉपिक से, तो ये आपको अगर जब बोल्ड करना है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे और इसको क्या कर दोगे, ऐसे बोल्ड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ये ऑप्शन होता है इटैलिक, उसके साइड में होता है इटैलिक। इटैलिक ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा करने के लिए होता है। जैसे देखो अब आपको ये टेक्स्ट इस तरह का दिख रहा है और इसको जब इटैलिक करेंगे तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, टेढ़ा सा हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑप्शन है अंडरलाइन का, तो ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन। इसका जो बोल्ड का शॉर्टकट कीज होता है वो कंट्रोल बी होता है, और अंडरलाइन का कंट्रोल यू, और इटैलिक का वो सॉरी कंट्रोल आई होता है अंडरलाइन इटैलिक का, और कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। तो अंडरलाइन आप सिंगल लाइन से ही नहीं कर सकते हो, अलग अलग तरीके के लाइनों से भी कर सकते हो। अंडरलाइन के आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर जाओगे देखो, इस टाइप से अगर जो आप अंडरलाइन करना चाहते हो तो इस टाइप से आप अंडरलाइन कर सकते हो। अंडरलाइन में और भी आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे मोर अंडरलाइंस, आप जाओगे तो जिस तरह से आपको अंडरलाइन करना चाहिए वो देखो इस तरह से अंडरलाइन आ जाएगा। और जो लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो अंडरलाइन में, तो थोड़ा सा लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बोल्ड इटैलिक यहाँ पे सारा एक साथ फंक्शन कर सकते हो। अब ये होता है स्केच थ्रू, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा इसको काटना चाहते हो तो काट सकते हो। ये होता है डबल स्केच, यानी दो बार अगर तो काटना चाहते हो तो दो बार काट सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे नीरज कुमार लिख दिया, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार मैंने ये कुछ गलत लिख दिया या इसको कटा हुआ आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करोगे, आप सेलेक्ट करोगे और अंडरलाइन पे जाओगे और मोर अंडरलाइंस पे जाओगे और यहाँ से क्या कर सकते हो, डबल स्क्रेच, तो ये क्या हो जाएगा, दो बार कट जाएगा। और ये अगर जो आप सिंगल करना चाहते हो और इसको हटाना चाहते हो तो ये यहाँ से हटा दोगे और ओके कर दोगे, तो ये हट जाएगा। और अगर जो सिंगल स्क्रैच करना चाहते हो तो यहाँ पर भी स्क्रैच होता है, देखो इस पे दबा देंगे और ये एक सिंगल स्क्रैच हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको जो मोर अंडरलाइंस का ऑप्शन है उस पे आपको सिंगल स्क्रैच भी मिलेगा और डबल स्क्रैच भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप सिंगल स्क्रैच कर सकते हो, देखो जैसे ये नीरज कुमार को दिखा रहा है सिंगल स्क्रैच हो रहा है, और यहाँ से आप डबल स्क्रैच कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर सब्सक्रिप्ट होता है, सब्सक्रिप्ट का मतलब ये होता है जिस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, ये देखिए सब्सक्रिप्ट में छोटा होता है। ये सब्सक्रिप्ट यहाँ पे यूज नहीं किया जाता, जैसे आप लिख रहे हो 4 का पावर 2, तो आपने 4 लिख लिया, और 4 का पावर अगर जो आपको 2 लिखना है तो क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे सब्सक्रिप्ट पे जाओगे और यहाँ पे 2 दबा दोगे, तो ये क्या लिखा जाएगा, 4 का पावर 2। अगर जो ये 2 अगर जो आपको नीचे लिखना है, आप 5 का पावर आप सब्सक्रिप्ट हटा दोगे तो आप क्या टेक्स्ट नीचे लिखाने लगेगा नॉर्मल टेक्स्ट। और फिर अगर जो आपको नीचे लिखना है इसके 2, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से, तो यही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाता है मोर अंडरलाइंस में। और मोर अंडरलाइंस में अगर जो आप एक बार इनको टिक कर दोगे तो ये सदा के लिए हो जाएंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्ट हो गया। ऑल स्मॉल कैप्स क्या होता है, अब अगर जो इन चांस आपने एक काफ़ी बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, अब ये पैराग्राफ में मैं आपको डायरेक्ट ये बोल दूं कि ये सारे स्मॉल में लिखा हुआ है और सारे जो लेटर है उसको बड़े लेटर में लिखो, तब आप क्या करोगे, तब तो आप सोचोगे यार पूरा डॉक्यूमेंट्स को काटना पड़ेगा, तो नहीं फ्रेंड्स ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। कई कई डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है कि आप बड़ा करके उसे लिखो, तो आप क्या करोगे, आप इसको कंप्लीट सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर जाओगे अंडरलाइंस पे और मोर अंडरलाइंस पे जाओगे और यहाँ पर से क्या कर दोगे, ऑल कैप्स दबा दोगे और ओके कर दोगे, देखो ये क्या हो जाएगा, सारे के सारे बड़े हो जाएंगे। और यही चीज़ अब आप जब लिखोगे तो देखो अब कुछ भी लिखाएगा तो बड़ा में लिखाएगा, भले ही आपका कैप्स लॉक ऑन हो या ना हो। देखिए मेरा जबकि कैप्स लॉक कीबोर्ड से ऑन नहीं है और तब पे भी ये ऐसा लिखा रहा हो, अगर जो आपके साथ ऐसा माइक्रोसॉफ्ट में दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर से जाओगे और मोर अंडरलाइन के ऑप्शन पर से जाओगे और ऑल कैप्स को टिक को हटा दोगे,
और इस अगर जो इसको स्मॉल कैप में करना है तो स्मॉल में कर सकते हैं। तो पूरा सेलेक्ट करेंगे और मॉडल लाइन अंडरलाइंस पे जाएंगे और स्मॉल कैप्स पे कर लेंगे। अब आता है हिडन कमांड। हिडन कमांड क्या होता है? अब जैसे ये वाला जो पैराग्राफ है, थोड़ा समझ में आने के लिए कि क्या गायब हुआ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, अब मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, यहाँ से साइज बड़ा होता है, और थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा इटैलिक अंडरलाइन कर दिया कि हमें ये वाला टेक्स्ट ध्यान रहे। अब मुझे इस टेक्स्ट को गायब करना, तो मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा पूरा, और पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से जाऊँगा मोर अंडरलाइन के ऑप्शन पर जाऊँगा, और इस पर हिडन है जो कमांड है, इसको क्या कर दूँगा, ओके कर दूँगा। ये क्या हो गया, गायब हो गया। ये आपके सेव होने के बाद भी रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं। अब आप इसको दोबारा से लाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे से जाओगे मोर अंडरलाइंस पे, और हिडन का चेक तो पहले से हटा हुआ, आप चेक कर दोगे तब पे भी कुछ नहीं होगा। तब इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले यहाँ पर से ये कमांड छोड़िए और इसको पूरा को क्या कर दीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए, ऑल सेलेक्ट। जब पूरा सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए दबाने के बाद, और फिर आप अंडरलाइन के मोर अंडरलाइंस पे जाओगे और यहाँ से ऑल कैप्स हटाना तो ऑल कैप्स हटा दो और हिडन हटाना तो हिडन हटा दो। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये जो होता है, अब ये फॉन्ट टैग आ जाता है। तो ये जो फॉन्ट टैग में होता है कि किस तरह से हमें अपना अक्षरों को चेंज करके रखना है, चेंज वेंज करना, तो ये आप जाओगे और जिस तरह से आपको अक्षर थोड़ा बड़ा चाहिए या अलग अलग तरीके से चाहिए, देखिए आपको अलग अलग तरीके से सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं कि जिस तरह से मैं, जैसे कुछ लोग देवनागरी में लिखता है तो ये देवनागरी लैंग्वेज है, कुछ लोग देख लीजिए आपको बहुत ज़्यादा ही फॉन्ट में साइज में मिल जाता है। एक लास्ट में आपको मिलेगा वेडिंग फॉन्ट, ये देखिए, ये इन सब जैसे कोडिंग वर्ड में इसमें यूज कर सकते हो, वाइड लेथन, इस तरह से भी आप फॉन्ट को लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये टेक्स्ट वाला आपको ऑप्शन समझ में आया होगा। अब मैं नॉर्मल लैंग्वेज कर लेता हूँ। यहाँ से होता है किसी भी अक्षर का साइज, अब जैसे ये साइज अक्षर है, अगर जो इसका मुझे साइज बढ़ाना हो तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। दूसरा इसका बढ़ाने का ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ से भी होता है। जो इसकी शॉर्टकट कीज होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट और एरो कीज। मैं अगर जो आपको लिख के देखना चाहते हो तो मैं लिख दे रहा हूँ, अगर जो आपको जैसे समझ कीबोर्ड में ना समझ में आए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, शिफ्ट प्लस ये कीज दबाओगे तो बड़ा होएगा, और ये वाला कीज दबाओगे तो छोटा होएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कीज से एक से छोटा होता है, एक से बड़ा होता है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब ये होता है कि जैसे आप किसी अक्षर को थोड़ा कलर देना चाहते हो, कुछ डिजाइन देना चाहते हो, तो ये आ सकता है। देखो वाओ, कोई भी कलर दे सकते हो आप, थोड़ा परछाई में भी आ जाता है ये। और यहाँ पर से आउटलाइन देना चाहते हो कुछ, तो अलग अलग आउटलाइन भी दे सकते हो इसकी, बाहर की शैडो जिस तरह से आप देना चाहते हो उस तरह से आपको शैडो मिल जाएगा, परछाई। ठीक है, रिफ्लेक्शन देना चाहते हो तो रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, आप उससे पहले उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए, और जिस तरह से आपको शैडो देना है, शैडो देखिए आपको अलग अलग शैडो मिलता है, ये देखिए अलग थोड़ा शैडो हो गया। रिफ्लेक्शन देना चाहते हो तो फिर से हम सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ से क्या दे देंगे, रिफ्लेक्शन दे देंगे, देखिए
आप अगर जो रिफ्लेक्शन में भी आपको अलग अलग सेटिंग करना है, जिस तरह से कलर करना, वो आपको यहाँ पे मोर सेटिंगों पे मिल जाएगा। ये फंक्शन 2007 में नहीं है लेकिन 2010 में है, तो घबराना मत अगर जो आप 2007 माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो होता है अब आपका ये होता है कलर करने के लिए, जैसे हाईलाइट, आप कोई भी चीज़ को इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो कि यहाँ पर ये चेंज हुआ, या आप कोई नोट्स बना रहे हो या कोई नोट्स पढ़ रहे हो तो आपको कुछ लग रहा है नहीं इस चीज़ को मुझे हाईलाइट कर लेना चाहिए, तो आप अलग अलग कलर से उसको क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर जो ये हाईलाइट्स आपको हटाने तो आप क्या करोगे, इनको पहले सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पर से दोबारा से उन्हीं पे हाईलाइट, जैसे हाईलाइट किया उस पर दबा दो, वो अनहाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो ऐसे भी नहीं आपको समझ आ रहा तो आप क्या कीजिए, नॉर्मल वोल्ट पे दबाइए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर ऑप्शन देता है नो कलर का, तो आप क्या कर सकते हो, इसको नो कलर कर सकते हो। ये आप होता है फॉन्ट कलर, अगर जो आप फॉन्ट कलर देना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फॉन्ट कलर दे सकते हो अलग अलग टाइप के, जिस तरह से आपको फॉन्ट का कलर देना है। ये देखिए आपको सारे कलर मिल जाएंगे, अगर जो मोर कलर्स पे जाना है तो आपको मोर कलर्स पे अलग अलग मिल जाएगा, कस्टम अगर जो आपको बनाना है, थोड़ा सा रेड इतना रहना चाहिए, ग्रीन ब्लू ग्रीन इतना रहना चाहिए, ब्लू इतना रहना चाहिए, तो आप मिक्स करके एक कलर भी बना सकते हो और उस कलर को आप दे सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। ये सारे क्या होते हैं, अगर जो भी चीज़ आप अप्लाई किया हो तो देखो यहाँ पर दबाओगे तो क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया, इसे बोल्ड किया, इटैलिक किया, आपको लग रहा है कि सारे को एक ही साथ ख़त्म करे, जैसे मैंने इस लेटेस्ट इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, इतने सारे सब्सक्रिप्ट लगा दिए, ये लगा दिया, अब मुझे लग रहा नहीं यार सब कुछ बेकार है, मैं सबको ख़त्म करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे से एक ही साथ सेलेक्ट करूँगा इसको और यहाँ से जाऊँगा और क्लियर फॉर्मेटिंग पे दबा दूँगा, तो ये सारे फॉर्मेट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब बात आते हैं ये इस पर करते हैं अलाइन टेक्स्ट, तो अलाइन टेक्स्ट पे बात करते हैं। अब मुझे इसको बीच में लिखना है, तो क्या आप बार बार इसको स्पेस दबा के ऐसे बीच में करते रहोगे, ये बेकार लगता है, तो ये इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। अब मुझे कुछ टेक्स्ट है, अब मुझे इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब को अगर तो मुझे बीच में लाना हो या साइड में लाना हो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये अलाइन टेक्स्ट का काम होता है कि जिधर ले जाना चाहोगे तो ये थोड़ा एक ही साथ में लास्ट में पहुँचा देगा, ये बीच में और ये पास आसपास करता है। ठीक है, अब ये आता है आपका नम बुलेट्स लगाने के लिए, तो बुलेट्स में जैसे आप माई सेल्फ लिख रहे हो तो ये यहाँ पर काम आ जाता है बुलेट्स, कि आप कौन सा बुलेट्स लगा के लिखना चाहते हो, जैसे कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो हम उसको बुलेट्स लगा देते हैं, जैसे मैंने लेटेस्ट ये वाला बुलेट्स लगा दिया और यहाँ पर लिखा मैंने माई इज, और फिर एंटर दबाते के साथ वो आपका और पॉइंट आ जाएगा, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, तो आप जिस तरह से लिखना चाहोगे उस तरह से आप इस पर लिख सकते हो, माई सेल्फ होते, पैराग्राफ होते, तो ये ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो ये भी लिख सकते हो माई रुको,
फ्रेंड्स हमने ये जो बोल्ट्स था वो हमने सारे पता कर लिए। आपको जिस तरह से बोल्ट्स चाहिए उस तरह से आप लगा सकते हो। अब बोल्ट्स लगाने के बाद एक तो ये होता है, एक होता है नंबर बोल्ट्स। अगर जो आपको ये बोल्ट्स पसंद नहीं आ रहा आप ये भी डाल सकते हो, जैसे कुछ भी आप डाल सकते हो। तो अब आपको लग रहा है नहीं नंबर में मुझे चाहिए कि अलग अलग नंबर चाहिए, तो आप यहाँ पर नोन पे दबा दोगे तो एक भी कुछ भी नहीं रहेगा। नंबर पे दबा दोगे एक दो, इस तरह से नंबर चाहिए। अगर जो इस तरह रोमन में चाहिए तो रोमन में मिल जाएगा, एबीसीडी में चाहिए तो एबीसीडी में मिल जाएगा, और भी तरीके से आपको मिल सकते हैं। लिस्ट काफ़ी बड़ी होती है, आपको इस तरह से चाहिए तो इस तरह से भी मिल जाएगा पॉइंट्स में। फिर अगर जो आपको इस तरह से हेडिंग आर्टिकल्स में चाहिए, जैसे इस तरह चाहिए, तो आपको ये देखो इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी तरीके से ये हेडिंग होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद अगर जो आप सारे पैराग्राफ को एक साथ थोड़ा सा लेफ्ट ले जाना चाहते हो एल्गिन में, लेफ्ट और राइट, ये इसके लिए होता है। अब इसके बाद है आपका स्पेस पैराग्राफ। तो अगर जो आप स्पेस देना चाहते हो इसमें कुछ, तो अगर ज़्यादा स्पेस देना है तो आप इससे थोड़ा देखिए, जिस तरह से आपको स्पेस देना वो आप स्पेस इसमें दे सकते हो। ये है एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अगर जो पैराग्राफ के बाद अगर जो आपको कोई स्पेस एड करना है तो यहाँ पे जाओगे और क्या होगा, तो एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। और जो रिमूव करना तो रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यहाँ से आप जितना कम करना चाहते हो कम कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये होती है पैराग्राफ को ए टू जेड फॉर्मेट में डालने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, टेक्स्ट में, नंबर्स में डालना है तो आपको नंबर्स में डाल सकते हो। अगर जो नंबर्स में, जैसे मैंने ये डाल दिया आगे नंबर्स में 1 2, यहाँ पर डाल देते हैं 2, यहाँ पर डाल देते हैं 1। अब हम इसको क्या कर देते हैं, तो आप देखो जो दूसरा वाला था वो पहला बन गया और जो पहला वाला था पैराग्राफ वो दूसरा बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये लास्ट में लगाने के लिए होता है, जैसे स्टॉप नहीं होता, कोई भी पैराग्राफ आपने कंप्लीट किया उसके बाद आप स्टॉप लगाना चाहते हो तो इस तरह से आप इस पर स्टॉप लगा सकते हो। फिर यहाँ पर अगर जो आप कलर देना चाहते हो कोई, तो आप कलर दे सकते हो जितना जोर को आपने सेलेक्ट किया। मोर कलर पे आना चाहते हो तो इस पे भी आपको मोर कलर पे मिल जाएगा, कस्टम कलर, जिस तरह से आप कलर। इसमें ये होता है कि कलर की थोड़ी मात्राएं बढ़ाना चाहते हो, जिस कलर की उस कलर की आप मात्राएं बढ़ा के और फिर इसको ओके पे कर दोगे तो ये देखिए इस टाइप से कलर आ गया आपका। नो कलर करना है तो आप इसको दोबारा से सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर जाओगे और क्या कर दोगे, नो कलर, ये कलर ख़त्म हो गया। अब होता है ये बॉर्डर्स, बॉर्डर ऑप्शन। तो बॉर्डर ऑप्शन में आपके अलग अलग तरीके से बॉर्डर मिल जाएगा। ये नीचे का बॉर्डर मिल जाएगा, अगर जो आप साइड का बॉर्डर देना चाहते हो तो ये साइड का ऊपर का मिल जाएगा, लेफ्ट में डालना चाहते हो तो लेफ्ट का मिल जाएगा, राइट डालना चाहते हो तो राइट बॉर्डर मिल जाएगा। एक तरह से मान लो बॉक्स बन गया, नहीं बॉर्डर करना है तो नो बॉर्डर पर कर दीजिए आप। ऑल बॉर्डर्स में ये होता है कि इसके चारों तरफ हर तरीके से बॉर्डर लग जाएगा इस तरह से। अगर जो आपको बॉर्डर्स को मिटाना है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर से जाके आप क्या कर दीजिए, नो बॉर्डर्स कर दीजिए। आउट बॉर्डर्स, तो ये बाहर का बॉर्डर है कि इसके अंदर अगर जो नहीं चाहिए। इनसाइड बॉर्डर, तो ये अंदर का इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। अंदर में अगर जो लाइन वाइज बॉर्डर चाहिए, इनसाइड वर्टिकल, अगर जो इस तरह से आपको बॉर्डर चाहिए हॉरिजॉन्टल। ड्रो टेबल, अगर जो आप ऐसे बॉर्डर नहीं देना चाहते, अपना अनुसार से देना चाहते हो टेबल बना के, तो आप टेबल बना के दे सकते हो। इसमें कलर भी दे सकते हो आप अलग अलग तरीके के। ये आपको इंसर्ट टैब में काफ़ी बढ़िया से टेबल ऑप्शन में बता दिया जाएगा कि किस किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद
आपका वीवो गाइडलाइंस हो जाएगा। अगर जो ये देखना चाहते हो तो इससे भी देख सकते हो आप रोलर बार से। अब आता है पेज बॉर्डर। ये पेज बॉर्डर होता है कि अलग अलग तरीका से आप पेज में देखो बॉर्डर्स आ गया कि किस तरीका से बॉर्डर आपको करना, बॉर्डर्स की कलर क्या होना चाहिए, कितनी वो मोटाई और चौड़ाई उसकी होनी चाहिए और वो बॉर्डर किस तरह से लगना चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये पेज बॉर्डर है। पेज बॉर्डर में पूरे पेज पे अगर जो आप बॉर्डर लगाना चाहते हो तो पूरे पेज पे लगा सकते हो। जैसे आप सिंगल बॉर्डर लगाना चाहते हो तो होल डॉक्यूमेंट है। ये दिस सेक्शन है, दिस सिलेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, ऑल एक्सपेक्टेड स्टोरेज यानी अगर जो पहला पेज पे लगाना चाहते हो, होल डॉक्यूमेंट्स यानी सारे डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएगा। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं एग्जांपल के लिए आपको लेके बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने आप ये देखो काफ़ी पेजेस आ गए। अगर जो ये सारे पेजेस आ गए तो आप अगर जो इन पे फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि जैसे एक पेज पे बॉर्डर लगाना चाहते हो तो सिंगल पेज पे लगा सकते हो, अलग अलग पे लगाना चाहते हो तो आप अलग अलग पे लगा सकते हो। तो आप पेज बॉर्डर में जैसे होल डॉक्यूमेंट्स, तो होल डॉक्यूमेंट्स पे लगाए तो आप देखो मैं बता दे रहा हूँ दिस सेक्शन, जिस सेक्शन पे मैंने चूज़ किया, जैसे मैं इतना सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पड़ गया पेज बॉर्डर पे और यहाँ पे कर दिया पैराग्राफ, पैराग्राफ पे लगा नहीं फ्रेंड्स, पता नहीं पेज बॉर्डर होल डॉक्यूमेंट्स, तो होल डॉक्यूमेंट्स पे आप जाओगे और ओके कर दोगे। आपके देख लीजिए होल डॉक्यूमेंट्स पे बॉर्डर, और जिस टाइप का आप लगाना चाहते हो अलग अलग तरीके से, ये देखिए आप बॉर्डर में अगर जो सेब, केले, फल, पपीता वपीता लगाना चाहते हो तो आप इस तरह का भी बॉर्डर लगा सकते हो, और नहीं तो अगर जो आप लाइनिंग वाला लगाना चाहते हो तो लाइनिंग वाला लगा सकते हो। आप देखिए आप लाइनिंग वाला लग गया। आप यहाँ पर से अगर जाओगे और जो नो बॉर्डर चाहिए तो आप नो बॉर्डर कर दीजिए वो वाला लाइनिंग को। आप अगर जो पेज बॉर्डर पर गए और यहाँ पर ये क्या दे रखा है, फल फ्रूट्स दे रखा है, नॉन कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो आपके क्या हो जाएंगे फल फ्रूट्स हट जाएंगे और जो आपने लाइन वाला बॉर्डर लगाया था वो लाइन वाला लग जाएगा। और अगर जो डबल लाइन लगाना है आपको बॉर्डर, तो आप जाओगे पेज बॉर्डर पे और यहाँ पर डबल लाइन सिलेक्शन करोगे और बॉक्स में लगाना तो बॉक्स में लगा सकते हो, 3D में लगाना तो 3D में लगा सकते हो, जिस तरह से आप लगाना चाहते हो उस तरह से आप लगा सकते हो। देखिए ये आपका डबल लाइनिंग बॉर्डर हो गया। और 3D में लगाना चाहते हो चल रहा था चाहते हो तो पूरे पेज पे लगा सकते हो। यहाँ पे जाओगे आप पेज बॉर्डर पे और पेज बॉर्डर पे आपको अलग अलग तरह का बॉर्डर मिल जाएगा। डबल बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आप डबल बॉर्डर लगा सकते हो।
और अगर जो आपको रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस पे जाइए। अब आपको क्या चीज़ रिप्लेस करना है, जैसे मुझे ऑन मैंने ढूंढा और मुझे उसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है डैट में, तो यहाँ पे से क्या कर देंगे रिप्लेस, और रिप्लेस सारा करना है तो रिप्लेस ऑल कर देंगे और यहाँ पे यस करेंगे और सारा के सारा क्या हो जाएगा ऑन डैट में चेंज हो जाएगा। तो ये डैट में चेंज हो गया। फाइंड ऑप्शन आपका क्लिक वो कंप्लीट हो गया, रिप्लेस भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आता है सिलेक्ट, तो सिलेक्ट जितना आप सिलेक्ट करना चाहते हो एक जगह सेलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो जौन सा ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, आप सिलेक्ट ऑल करना चाहते हो तो आपका सारा सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको होम टैब कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर जिसमें से आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम पेज किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से उस पर हम काम करते हैं, और कौन कौन से ऑप्शन जो है कि आपको वहाँ पे किस तरह से वहाँ पे वर्क करता है। इस वीडियो में आपको हम पूरा जानकारी दिए हैं माइक्रोसॉफ्ट होम पेज के बारे में। तो अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और तभी आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद।